हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अटेली से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने अटेली में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव का रोड शो अटेली के मुख्य बाजारों से होते हुए शहर के अन्य मार्गों से गुजरा, जिसके जरिए अनीता ने व्यापारियों और शहर के लोगों से वोट की अपील की। अनीता यादव के रोड शो में उमड़े जनसैलाब से जहां अनीता यादव को काफी बल मिला है, तो वहीं अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। पूर्व CPS कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव ने अटेली कार्यालय से शुरू होकर पुराना बस स्टैंड अटेली शहर के बीचों बीच झंडा चौक से होते हुए नांगल मोड़ तक रोड शो किया। वहीं लोगों ने JCB लगाकर फूलों से वर्षा की। अनीता यादव ने कहा है, अटेली का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है। आज इस प्रकार से कनीरा के अंदर आप रोड शो निकाल रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक जाएगा, कितना विधान रोड? ये रेलवे रोड से स्टार्ट हुआ फाटक से और ये यहाँ तक जाएगा बाबा मोरनाथ होता हुआ और आगे बढ़ जाएगा शायद मतलब मंडी पुरानी मंडी। लेकिन लोगों का प्यार इतना भारी है, बहुत ज्यादा प्यार लोगों का मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इससे लगता है कि कांग्रेस आ रही है सत्ता में और बीजेपी जा रही है। जिस प्रकार का आज का जनसमर्थन मिला, इसको देखकर क्या कहना चाहेंगे? भारी बहुमत से जीत नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी बहुत भारी मतों से अटेली में जीते। कल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि आपको दूसरे कैंडिडेट को जो भी भारी प्रत्याशी के तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो जो क्या करते हैं उनका काम है, हम जो करते हो हमारा काम, हमें किसी का कोई का कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको, बहुत ज्यादा सरकार में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज इस विचार से और जो कांग्रेस पार्टी का जन प्यार है, जो जन जन का जो प्यार है, वो आप एक झंडे में पूरा रखा आज हम लोगों ने हाथ के निशान पे, वो प्यार देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। आज का माहौल जो देख रहे हैं उससे आपको क्या लग रहा है कि पक्की है? बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि कांग्रेस पार्टी विनर होगी यहाँ से अटेली से। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।